अलवर के तिजारत कस्बे के निकटवर्ती सिरोली कलक गांव में एक 24 वर्षीय विवाहिता विकलांग गर्भवती महिला सुकुंत की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। तिजारत पुलिस को सूचना मिलते ही थाना अधिकारी अनिल शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच की। देर शाम की घटना होने के चलते कल पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, आज सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के भाई सद्दाम ने आरोप लगाया कि उसके पति के भाभी के साथ अवैध संबंध के कारण मौत के घाट उतारा गया है। मृतका के पति हसन पुत्र मंगल खान घटना के बाद से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पना गांव में कोई एक संदिग्ध मौत हुई है जी, इस पर तुरंत हम डॉक्टर के साथ जैसे थे उसी स्थिति में वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद डेड बॉडी को पुलिस के कब्जे में दिया जाकर मोर्चरी में रखवाया गया है। अब सूर्यास्त होने की वजह से पोस्टमार्टम संभव नहीं है, कल सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जैसे परिजन रिपोर्ट देंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लड़की वहाँ पड़ी है पोस्टमार्टम घर में, लड़की हमें देखी नहीं है। बाकी ये है अभी इस लड़की के साथ लड़ाई मार पिटाई करते रहे पहले से जी, कोई इसे कभी जब से ऐसी सारी जब से इसको चैन से नहीं रखते थे। लड़की की बच्चा एक पहले से एक एक लड़की होगी ऐसी झगड़ा झगड़ा में लड़की हो गई, एक बच्चा पेट में है तीन चार पाँच महीने का। और भाई इसकी दो जिठानियाँ उनकी उनने मारी है, दो जिठानी और दो उसके जेठ है, एक घरवाला है, एक फकरू है इसमें शायद फकरू नाम का, वो इनके साथ है, उनने ही इन्हें मिक्स करके इन्हें लड़की मारी है। मार के नहीं ये पड़ गया, हमारे को तो 2 बजे फ़ोन करा है, 2 बजे हमारे को फ़ोन करा भाई तुम्हारी लड़की मर गई है, इन्हें लड़की मारा कि रात में कोई 10-11 बजे मार दी लड़की ने। मामला ये था बस उसका जो लड़का था उसे दूसरी से संबंध था उसका, इसको राखने कोई साजिश नहीं थी पूरा पूर्ण बात है जी। और तकरीबन 3 साल हो गए साथी, तो शुरू स्टार्टिंग से ऐसे ही चल रहा है जीविका शुरुआत से ही, और एक हफ्ता पहले ही ये सासू ने और इसकी जो लड़की थी इस लड़के की जो इसके उसकी बहन थी उसने भी एक हफ्ता पहले इसके साथ घटना की है जो कि उन्हें खूब मारी है, लेकिन ये हंसी खुशी खूब अच्छी तरह हमसे बात की, उसने हमसे बता तो दिया लेकिन अब ठीक है मैं इनकी कोई ना। उसके बाद में अब सुबह से ही 2-3 दिन जानने से ही चलती रहती है चली रही थी, और अब जाके नहीं हमें नहीं पता चला, और लेकिन ये फांसा से नहीं मारी, ये वैसे मारी गई है